if alpha is a non-real root of x raised to power 6 is equal to 1, then. तो अगर हमारे पास में अल्फा एक नॉन रियल रूट है किसका, एक्स रिश टू पावर 6 इज इक्वल टू 1 का, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इसके 6 रूट्स क्या होंगे, इसके 6 रूट्स होते हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रिश टू पावर 4 एंड अल्फा रिश टू पावर 5, ये इसके 6 रूट्स होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं इमेजिनरी रूट्स होते हैं और 1 होता है रियल रूट। और अब हमें पता है यूनिटी अगर रूट होते हैं तो इसके सम क्या हो जाता है, सबका सारे रूट्स का सम होता है किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो 1 प्लस अल्फा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रिस्ट पावर 4 प्लस अल्फा रिस्ट पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं अपनी पहली टर्म देखूं जो हमें डिटरमाइन करना है, उसमें लिखा हुआ है 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रिस्ट पावर 5, तो क्या चाहिए हमें, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रिस्ट पावर 5। तो सी बाकी की टर्म्स को क्या करता हूं, मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, सी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर था वो इधर क्या जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 है वो भी इधर क्या जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा की पावर 4, है ना। तो अब जब हमें अपनी वैल्यू डिटरमाइन करूंगा किसकी, अल्फा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रिस्ट पावर 5, तो अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू किसकी को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ अल्फा रिस्ट पावर 4 और अपॉन में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहां से अगर मैं माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो वैल्यू क्या जाएगी, इट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और अपॉन में भी क्या जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर तो सिंपली कट डाउन हो गया और वैल्यू क्या बची, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर।